दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल दी वड्डी जित, अकाली दल ने बहुमत कीता हासिल। गुरप्रीत सिंह जस्सा, हरमीत कालका, जसमीन सिंह नोनी, परविंदर सिंह, बलबीर सिंह विजेतू रहे। अकाली दल के सरबजीत सिंह विरक, रविंदर खुराना, सुरजीत जीती, अमरजीत पिंकी, अमरजीत सिंह पप्पा पप्पू भी जेतू रहे। इस तो इलावा अकाली दल उम्मीदवार रजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह केपी, हरजीत सिंह पप्पा, रणजीत कौर, आत्मा सिंह लुबाणा, रविंदर सुवीटा, रमनजोत मीता, जसप्रीत सिंह, रमनदीप थापर जेतू रहे। कैप्टन तो बागी खेमे नाल मुलाकात तो पहला हरीश रावत का बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच ही लड़ी जाएगी विधानसभा की चोण। कैप्टन बदले जाने की मांग को लेकर रावत को मिलने पहुंचा है बागी खेमा, रावत को मिलने देहरादून पहुंचा तृप्त बाजवा, सुखजिंदर जावा समेत पांच मैंबरी वफद। पंजाब कांग्रेस दे विच फकीर बगावत लई सिद्धू ते साध्या निशाना, सारी बगावत लई सिद्धू नूं दस्सिया जिम्मेवार। परनीत कौर ने सिद्धू दे सलाहकारां उत्ते भी साध्या निशाना, कहा कित्थों आए ने सिद्धू दे सलाहकार, बगावत करन वाले मंत्रियों ते विधायकों उत्ते भी सवाल चुके। परनीत कौर का कहना है साढ़े चार साल दौरान खुश रहने वाले हुण क्यों हो रहे ने सवाल, उन्होंने कुछ लोग पार्टी नु नुकसान पहुंचाने उत्ते लगे हुए। कैप्टन खिलाफ सिद्धू तड़ावी दो फाड़ होया, छह विधायकों से एक सबका विधायक ने सीएम नु हटाने की मुहिम तो खुद नु वाक किया। विधायक कुलदीप वैद, दलवीर गोल्डी, संतोख सिंह भलाईपुर, अंगद सिंह, राजा वड़िंग, गुरकीरत कोटली, सबका विधायक अजीत इंदर सिंह मोफर ने खुद नु लांबे किया। विधायकों ने कहा पार्टी के दरार पाउण की किसी की साजिश का नहीं बनांगे हिस्सा, धोखे के नाल जारी किए गए साढ़े नाम। विधायकों ने हाईकमान को की अपील बगावत की कोशिशों को रोकिया जाए। कैप्टन थड़े के विधायक का सिद्धू हमायतिया निशाना, वेरका बोले सीएम कौन बनेगा, ये तो कुछ विधायक या मंत्री नहीं तय करेंगे। पीटीसी न्यूज नाल फोन उत्ते गलबात दौरान दिता बयान, सिद्धू जां तृप्त बाजवा के कहण उत्ते नहीं बदलिया जा सकता मुख्यमंत्री। राजकुमार वेरका का कहना है मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ही करेगी, जे विधायकों नूं कुछ शंका है तो हाईकमान नाल गल करन, कैप्टन दे सिद्धू जल्दी हरीश रावत नाल बैठक करेंगे। सिद्धू दे सलाहकार ने हुण कैप्टन हिमायतियां नूं निशाने उत्ते लिया, मलविंदर माली ने विजेंद्र सिंगला, बलबीर सिद्धू, मनीष तिवाड़ी से शब्दी हमला किया। कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने दस्सिया भ्रष्टाचारी, कहा सिंगला ने पीडब्ल्यूडी विभाग के मचाई है लुट। पंजाब कांग्रेस के काटू कलेश उत्ते बोले वीरसा सिंह वलटोहा, वलटोहा ने कहा कैबिनेट खिलाफ बोलण वाले मंत्री पहला चुप क्यों सन, 2022 दीयां चोणां दे विच लोक कांग्रेस नूं देणगे ठोकवां जवाब। लुधियाणा तों सांसद रवनीत बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार दे टिप्पणी उत्ते दित्ती अपनी प्रतिक्रिया, कहा अजिहे बयान हो सकदे ने हानिकारक। मोगा दे विच विधानसभा चोणां तों पहलां कांग्रेस नूं झटका, 35 परिवार कांग्रेस छड के अकाली दल दे विच शामिल होए। जथेदार तोता सिंह ने कहा परिवारां नूं पार्टी दे विच मिलेगा पूरा मान सम्मान। चंडीगढ़ के विद्यार्थियों के अग्नि नितरे हरिंदर पाल चंदूमाजरा, पंजाब यूनिवर्सिटी सैनेट चोणां ऐलान की मांग की। हरिंदर पाल चंदूमाजरा का कहना है अकाली दल यूनिवर्सिटी की होंद बचाने लिए करेगा संघर्ष। बठिंडा के ठेका मुलाजमान ने सूबा सरकार खिलाफ जम के किया प्रदर्शन, मुलाजमान का कहना है जेकर मंगा पूरिया ना कीतियां तो सितंबर दिवस सरकार खिलाफ लगाया जाएगा पक्का मोर्चा। ठेका मुलाजमान ने इस संबंधी मीटिंग की। मुलाजमान का कहना है कि जेकर मंगा ना मनिया गई तो परिवार समेत पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन करांगे। पंजाब सरकार वालों माणयोग हाईकोर्ट के हुक्मों नूं छिके टंग के कंडियाल तार पार करके किसानों नूं मुआवजा ना देने का मामला आया सामने। तरन तारण के सरहदी किसानों वालों पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सरहदी किसानों वालों पंजाब बॉर्डर किसान यूनियन की अगवाई के डिप्टी कमिश्नर के बाहर सरकार खिलाफ नारेबाजी करके सरकार के नाम मंग पत्र दिता गया। खन्ना दे विच कब्रिस्तान लई जगह ना मिलन कारण ईसाई भाईचारे दे विच रोस, ईसाई भाईचारे नाल संबंधित दो लोगों की मौत हुई, जिस दे विच एक औरत की मौत तों बाद उसकी अंतिम क्रियावां ईसाई धार्मिक रिवायत के उल्ट उसनू कीता गया गणपेट।
ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਲੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ। पिस्तौल की नोक उत्ते लुट की वारदात को अंजाम दिता, सारी घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई, पुलिस ने जांच आरंभी। अबोहर के पिंड कुंडल के सरपंच उत्ते बदमाशों के वलों जानलेवा हमला, बदमाशों ने सरपंच अते उसके साथी उत्ते चलाईयां अन्नेवा गोलियां। इनोवा गड्डी दे विच सवार 5 तो 6 बदमाशों ने पहला मारी सी बाइक नूं टक्कर, बाइक टिगण मगरों कार सवार बदमाशों ने कीती अन्नेवा फायरिंग। सरपंच मिंकू दे लगियां 2 गोलियां ते साथी जगसीर नूं बचियां 4 गोलियां, गोलियां मारन तो बाद ही भी तेजधार हथियारां ते रॉड नाल कुटमार कीती। पटियाला दे विच विद्यार्थियों के 2 गुटों विचाले लड़ाई हुई, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विद्यार्थी पिछों ही लड़ाई करते आ रहे सन, जिस तों बाद विद्यार्थियों के वलों कार की भनतोड़ भी की गई। अमृतसर के सीबीआई टीम के वलों 2 बुरजी खेतर के छापेमारी की गई, छापेमारी दौरान वड्डी गिणती के 4 मॉडल दीआं 2 गड्डियां भी बरामद हुई। पाकिस्तान नागरिकों नूं पाकिस्तान रवाना होने तो बाद वाघा सरहद तों वापस परतना पिया, अमृतसर के दुरग्याणा मंदिर के नागरिक वापस परते। सारे पाकिस्तान नागरिकों के सेहत विभाग के वलों एमरजेंसी मेडिकल टीम भेज के करवाया जा रहा टेस्ट, रिपोर्ट आने तो मगरों ही पाकिस्तान परत सकेंगे नागरिक। देश के पिछले 24 घंटे कोरोना के 37,593 नवे मामले, कोरोना कारण 648 मरीजों की जान गई। हिमाचल सरकार ने स्कूलों को खोलने से इनकार किया, हुण 4 सितंबर तक स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल रहेंगे बंद, कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया अहम फैसला। पटियाला अदाकार गैवी चाहल के वलों किसानों की हिमायत, किसान अंदोलन से गैवी ने लिखी कविता, गैवी चाहल का कहना है सियासत च आने तो नहीं कोई भी गुरेज।